सत्य के मुकाबले अर्ध सत्य यानी आधा सच हमेशा ज्यादा आकर्षक होता है, ज्यादा खतरनाक भी होता है और कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। आपने अब तक टीवी की दुनिया में न्यूज चैनल्स पर डॉक्टर्ड वीडियोस के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको शायद पहली बार डॉक्टर्ड दस्तावेज यानी डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। इन दस्तावेजों की मदद से आज एक अंग्रेजी अखबार ने, एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने पूरे देश को भ्रमित कर दिया और रफाल के विवाद पर एक अर्धसत्य पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। इस अखबार ने अपनी खबर से संकेत दिया कि रक्षा मंत्रालय रफाल रक्षा सौदे को कमजोर किए जाने के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय का विरोध कर रहा था, लेकिन अर्धसत्य की उम्र बहुत छोटी होती है और जल्द ही ये सच सामने आ गया कि अखबार ने जो दस्तावेज छापा उसमें काट छाट की गई थी, यानी उसमें एडिटिंग की गई थी, यानी वो डॉक्टर्ड था और रक्षा मंत्री की टिप्पणी को बहुत चालाकी से इस दस्तावेज में से निकाल दिया गया था, छुपा दिया गया था। हमारे देश में ऐसे कार्य करने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए उन्हें पत्रकार की बजाय कलाकार कहा जाता है। ये जैसे आपने सुना होगा, बहुत बार लोग कहते हैं कि कलाकारी कर दी, तो इसमें काफी कलाकारी हो गई। ये वो लोग हैं जो सच के प्रति शक पैदा करने में बहुत माहिर होते हैं। ये लोग खुद को सच का ठेकेदार समझते हैं और ये समझते हैं कि सच पर, सत्य पर उन्हीं का कॉपीराइट है। वो जितना लिखेंगे, जो लिखेंगे, जितना बताएंगे, जो बताएंगे, देश को बस उतना ही पता चलेगा, देश को बस उतना ही सुनने को मिलेगा, देश सिर्फ उतना जानेगा जितना ये देश को बताएंगे, और कितना बताना है ये लोग खुद तय करेंगे। इस राष्ट्रीय अखबार ने आज अपने फ्रंट पेज पर रफाल रक्षा सौदे को लेकर एक खबर प्रकाशित की। पहले पन्ने पर पहली खबर, इसमें रफाल सौदे पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस दस्तावेज के आधार पर यह पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया वो दस्तावेज डॉक्टर्ड था, यानी दस्तावेज को पूरा नहीं दिखाया गया था, संपूर्ण रूप से दस्तावेज को नहीं दिखाया गया, बल्कि इस दस्तावेज को काट छांट करके, इसमें एडिटिंग करके लोगों के सामने पेश किया गया। इस खबर की हेडलाइन है, अंग्रेजी में है, डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पीएमओ अंडरमाइनिंग रफाल नेगोशिएशंस। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि रक्षा मंत्रालय ने रफाल सौदे को कमजोर किए जाने के खिलाफ पीएमओ का विरोध किया था। इस हेडलाइन से यह संकेत दिया गया कि रफाल मामले पर जारी बातचीत में पीएमओ हस्तक्षेप कर रहा था, प्रधानमंत्री का कार्यालय इसमें हस्तक्षेप कर रहा था और इसकी वजह से सौदे में भारत का पक्ष कमजोर हुआ और रक्षा मंत्रालय इस बात से नाराज है। लेकिन जिस आधार पर इस खबर को खड़ा किया गया वो बुनियाद बहुत ही कमजोर है। जिस दस्तावेज के आधार पर खबर को तैयार किया गया उस दस्तावेज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को इस अखबार ने आप सबसे छुपा लिया। इस अखबार ने अपनी खबर को रक्षा मंत्रालय के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी एस के शर्मा के एक नोट के आधार पर तैयार किया। ये नोट तो एक ही है और नोट सही भी है, लेकिन आज देश के सामने इस नोट के दो वर्जन्स मौजूद थे, दो रूप इस नोट के मौजूद थे। इनमें से एक है वो जो डॉक्टर्ड दस्तावेज है जिसे अखबार ने प्रकाशित किया, और दूसरा है वो जो सच्चा दस्तावेज है जिसे काट छांट कर छापा गया। दोनों हम आपको दिखाएंगे। आप इसे एक अर्धसत्य भी कह सकते हैं। अर्धसत्य एक खाद की तरह होता है जो झूठ की फसल को ऊर्जा प्रदान करता है। अर्धसत्य और डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स वाली पत्रकारिता देश के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन अर्धसत्य की एक खासियत यह भी होती है कि ये एजेंडा चलाने वालों को बहुत ऊर्जा देता है। अब मैं आपको पहले वो दस्तावेज दिखा देता हूं जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं जो इस अखबार ने दस्तावेज दिया। देखिए, ये वो दस्तावेज है मेरे हाथ में और यहां अगर आप देख पाएंगे, मैं स्क्रीन पर इसको बिल्कुल फिट करने की कोशिश करता हूं। ये दस्तावेज है, ये एस के शर्मा डिप्टी सेक्रेटरी, उनकी तरफ से नोट तैयार किया गया है और इसमें यहां पर डिफेंस सेक्रेटरी का एक नोट है जो हाथ से लिखा गया है। यह डिफेंस सेक्रेटरी का नोट है और यहां पॉइंट नंबर 5 करके यहां पर एक पैरा लिखा हुआ है, ये जिसमें लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूं यहां क्या लिखा है, बताता हूं आपको। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट
such parallel discussions by the PMO has weakened the negotiating position of MOD, yani Ministry of Defense, and Indian negotiating team. You may advise PMO that any officers who are not part of Indian negotiating team may refrain from having parallel parleys with the officers of French government. In case the PMO is not confident about the outcome of negotiations being carried out by the MOD, a revised modality of negotiations to be led by PMO at appropriate level may be adopted in the case. यहां तक खबर सच्ची है, ये बात लिखी है और ये बात SK शर्मा डिप्टी सेक्रेटरी ने लिखी है, ये सच है और उन्होंने ये भी सच है कि उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ लोग नेगोशिएशन में हिस्सा ले रहे हैं जो कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, जिससे भारत वो चाहते हैं कि अगर ऐसा करना है तो आप एक नया डेलीगेशन बना लीजिए और पीएमओ के अधिकारियों को भी उसमें शामिल कर लीजिए। अब आपको पूरा दस्तावेज दिखाता हूं, ये है पूरा दस्तावेज, ये देखिए। अब इसमें और इसमें जब आप फर्क महसूस करेंगे दोनों में, ये अखबार में छपा है और ये पूरा दस्तावेज है। पहली बात, इसमें इतनी जो लाइन है इसको काट दिया गया है, ये जो पैरा है इसको पूरा की पूरा उड़ा दिया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दस्तावेज में यहां से रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का हाथ से लिखा हुआ नोट है, ये इस पूरे नोट को उन्होंने पूरा की पूरा यहां से काटकर उड़ा दिया। इस दस्तावेज को उन्होंने यहां से काटा, यहां से ये, और रक्षा मंत्री का जो नोट है उनके हाथ से लिखा हुआ, इस नोट को पूरा की पूरा उड़ा दिया, क्योंकि यह नोट अगर देश पढ़ ले तो फिर इसमें कोई खबर बचती ही नहीं है। यह देखिए, अब बताता हूं आपको, यह भी बात सही है इसमें जो खबर है कि डिफेंस सेक्रेटरी ने रक्षा मंत्रालय को लिखा, रक्षा मंत्री को लिखा अपने हाथ की हैंडराइटिंग में, रक्षा मंत्री मे प्लीज सी, और उन्होंने आगे लिखा है, थोड़ा हैंडराइटिंग को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कि सच डिस्कशंस बी अवॉइडेड बाय पीएमओ, और उन्होंने आगे लिखा है कि जो हमारी नेगोशिएटिंग पावर्स को कमजोर होता है इससे, इसमें रक्षा मंत्री को कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, रक्षा मंत्री को देखना चाहिए ये सब, ऐसा रक्षा सचिव ने लिखा है इसके अंदर। बात सही है। अब देखिए, अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि रक्षा मंत्री ने क्या लिखा है। रक्षा मंत्री ने लिखा है, मनोहर पारिकर ने, इट अपीयर्स दैट पीएमओ एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट्स ऑफिस आर मेंटेनिंग द प्रोग्रेस ऑफ द इशू व्हिच वाज एन आउटकम ऑफ द समिट मीटिंग। पैरा फाइव कौन सा है, ये है पैरा फाइव जो ऊपर था, ये पैरा फाइव है, वो लिख रहे हैं, पैरा फाइव अपीयर्स टू बी एन ओवर रिएक्शन। ये महत्वपूर्ण है कि ये ओवर रिएक्शन है, ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं ये जो अफसर है। डिफेंस सेक्रेटरी में रिजॉल्व इशू इन कंसल्टेशन विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ये उन्होंने लिखा है। इस अर्धसत्य में इतना आकर्षण था कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और इसे देखकर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने आज सुबह सुबह अखबार पढ़ने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसी रिपोर्ट के आधार पर रफाल के सौदे पर फिर से कई सवाल खड़े कर दिए इस रिपोर्ट को दिखाते हुए। पहले आप राहुल गांधी के इस युवा जोश पर गौर कीजिए, इसके बाद हम दस्तावेजों को काट छाट करके प्रकाशित करने वाली पत्रकारिता को एक्सपोज करेंगे। So he is now viewing himself as the chowkidar and the chor, and he talks to himself at night, one day becomes the chowkidar, one day becomes the chor. Schizophrenia, is that what's happening? आप एक जवान को एक बुलेट प्रूफ जैकेट देते हो और अनिल अंबानी को 30,000 crore रुपए देते हो, मतलब what is the... Just let me ask this question. There is a clear paperwork here that is saying that Mr. Narendra Modi, PMO, it mentions PMO, Narendra Modi, has bypassed the negotiation process. It clearly says ki Narendra Modi ne negotiation process ko bypass kiya hai. Kal Narendra Modi ji ne lamba bhashan diya. Narendra Modi accessible hai, bhashan dete hai. Iske baare mein kyun nahi bolte? Iske baare mein boliye. नरेंद्र मोदी देश की वायुसेना को समझाएं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ये क्यों लिख रही है कि नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, इसके बारे में बोले। जितना आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं आप करिए, आप कानून को लागू करिए, आप रॉबर्ट वाड्रा पे, आप चिदंबरम पे, आप सब पे कानून चलाइए, नो प्रॉब्लम। मगर
आप राफेल मामले पे भी जवाब दीजिए। राहुल गांधी को तो आज इस अखबार से बहुत प्यार हो गया होगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसा चाहते थे इस अखबार ने बिल्कुल वैसी ही खबर छापी और राहुल गांधी को एक मसाला दे दिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो देखिए कितने शौक के साथ, कितने उत्साह के साथ उन्होंने यही पेपर जो मेरे भी हाथ में है, ये पेपर लेकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पेपर वही है उनके हाथ में भी और मेरे हाथ में भी। मेरे हाथ में पूरा पेपर है जिसमें सब कुछ है और इनके हाथ में अधूरा पेपर है जिसमें से इतना जो हिस्सा है इस दस्तावेज का वो काट दिया गया है। सो ये जो है ये अर्धसत्य है जो आप यहां देख रहे हैं मेरी बगल में इधर, ये अर्धसत्य है जो आप देख रहे हैं और ये पूरा सत्य है, यानी पूरा पेपर ये है। हमारे देश के राजनेताओं का स्वभाव पूरी दुनिया जानती है, वो अपने राजनीतिक लाभ को ही शाश्वत सत्य मानते हैं, जो खबर उन्हें सूट करती है उन्हें वही सच्ची लगती है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको पूरी बात बताएं और सही और सच्ची खबर बताएं। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा लेकिन जी न्यूज में ऐसा ही होगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी में जोश की लहर फैल गई, जोश की लहर दौड़ गई। पहले आपको यह बताते हैं, इस अखबार ने अपनी खबर की शुरुआत में लिखा है, फ्रांस की टीम ने पीएमओ द्वारा की जा रही समानांतर बातचीत का लाभ उठाया जिसकी वजह से इस सौदे में भारत की स्थिति कमजोर हो गई, ऐसा उन्होंने लिखा। यह वर्ष 2015 और 2016 की बात है, तब भारत और फ्रांस की सरकारें रफाल लड़ाकू विमान के सौदे को लेकर बातचीत कर रही थी। दोनों देशों की सरकारों की तरफ से एक टीम का गठन किया गया था जो रक्षा सौदे पर बातचीत कर रही थी। उस वक्त देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे। इस अखबार ने अपनी खबर को रक्षा मंत्रालय के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी एस के शर्मा के एक नोट के आधार पर तैयार किया। यह नोट तो एक ही है, सच्चा है, लेकिन आज देश के सामने इस नोट के दो रूप प्रस्तुत किए गए। एक वो डॉक्टर्ड दस्तावेज है जो इस अखबार ने प्रकाशित किया और दूसरा पूरा शुद्ध सच्चा डॉक्यूमेंट है। हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट के ये दोनों रूप मौजूद हैं जो हमने आपको दिखाए और आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। अखबार ने जो डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखा, अपने पाठकों के रखा, उसमें पैरा नंबर 5 में लिखा है कि यह स्पष्ट है कि पीएमओ द्वारा इस समानांतर बातचीत से रक्षा मंत्रालय और भारत की टीम की बातचीत करने की स्थिति कमजोर हुई है। हम पीएमओ को यह सलाह देते हैं कि वो अधिकारी जो भारत की टीम का हिस्सा नहीं है उन्हें फ्रांस की सरकार के अधिकारियों के साथ समानांतर बातचीत से बचना चाहिए। अगर पीएमओ रक्षा मंत्रालय के द्वारा की जा रही बातचीत से निकलने वाले परिणामों को लेकर आश्वस्त नहीं है तो उचित स्तर पर पीएमओ के नेतृत्व में बातचीत में संशोधन को स्वीकार किया जा सकता है। डिप्टी सेक्रेटरी एस के शर्मा के नोट को तत्कालीन डिफेंस सेक्रेटरी रक्षा सचिव जी मोहन कुमार ने आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री को अपने हैंडराइटिंग में नोट लिखा जिसमें लिखा है, रक्षा मंत्री यानी आरएम कृपया देखें, इस तरह की बातचीत से पीएमओ को बचना चाहिए, इससे हमारी बातचीत की क्षमता कमजोर होती है। यह डिफेंस सेक्रेटरी ने लिखा। अखबार ने अपने नोट के सिर्फ उन्हीं हिस्सों को प्रकाशित किया जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी ने पीएमओ के अधिकारियों द्वारा बातचीत पर चिंता जाहिर की है और सवाल उठाया है। लेकिन इसके बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जो निर्देश दिए हैं उसे अखबार ने बहुत चालाकी से छुपा लिया और उसे नहीं छापा। जैसा मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं, मेरे हाथ में जो है यह रक्षा मंत्रालय का असली नोट है। इसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जवाब और निर्देश दोनों है। मनोहर पर्रिकर ने लिखा है, प्रधानमंत्री कार्यालय और फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यालय पूरे मामले की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। ये बात भारत और फ्रांस की समिट मीटिंग में हुई थी। अब यहां नोट करने वाली बात यह है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं ये बात भारत और फ्रांस की समिट मीटिंग में हुई थी, ये औपचारिक मीटिंग्स होती है। पैरा नंबर 5 में जो लिखा गया है वो ओवर रिएक्शन यानी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया है। डिफेंस सेक्रेटरी इस मामले को प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव से बात करके हल कर सकते हैं, ऐसा रक्षा मंत्री ने लिखा। अखबार ने जिस एक पेज के डॉक्यूमेंट के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, अगर वो पूरा प्रकाशित कर दिया जाता, वो पूरा दस्तावेज, तो रफाल मामले पर आज कोई विवाद खड़ा ही नहीं होता। और इस खबर को जितने मसालेदार तरीके से प्रस्तुत किया गया वो मसाला इसमें से निकल जाता, वो जो बारूद इसके अंदर भरा गया वो बारूद फुस हो जाता। लेकिन अखबार ने खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए, इसमें बारूद भरने के लिए तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के जवाब को काट दिया, छुपा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि इसी अखबार ने डिफेंस सेक्रेटरी की उस बात को प्रकाशित
किया है जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री कृपया देखें, तब रक्षा मंत्री ने जो जवाब उसी नोट के नीचे लिखा है उसे इस अखबार ने क्यों प्रकाशित नहीं किया, सवाल यह है। और आपसे भी, आपको भी समझने के लिए आसानी होगी, आप खुद सोचिए कि अगर रक्षा सचिव रक्षा मंत्री को कोई सवाल लिख रहे हैं कि इसमें ऐसा किया जाए, तो क्या रक्षा मंत्री ने जो सवाल का जवाब दिया है आप उस जवाब को नहीं पढ़ना चाहेंगे? लेकिन यहां पर सिर्फ सवाल प्रकाशित किया गया, जवाब को हटा दिया गया। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका इस अखबार के पास कोई जवाब है नहीं। जब अखबार से यह सवाल पूछा गया तो अखबार की तरफ से जवाब दिया गया कि यह उनकी मर्जी है कि वो क्या दिखाएं, क्या छापें, क्या नहीं। क्या देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में इस तरह के रवैये को सही ठहराया जा सकता है? ये देश के वो महत्वाकांक्षी पत्रकार हैं जो पूरे आत्मविश्वास के साथ सच की ठेकेदारी करते हैं। इन्हें लगता है कि सच का पूरा ठेका इन्हीं के पास है। इन्हें लगता है वो देश को जो बताएंगे, जितना बताएंगे, जो दिखाएंगे, जितना दिखाएंगे, देश को उसी पर भरोसा करना पड़ेगा। देश को सिर्फ उतना ही जानने का अधिकार है। और हम आपको यहां बता दें कि जिन्होंने ये अखबार जो ये रिपोर्ट लिखी है उनका नाम है एन राम, जो द हिंदू के चेयरमैन है। आमतौर पर इतनी बड़ी, अगर उन्होंने खुद अपने बायलाइन से इस खबर को लिखा है तो यह बहुत ही बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण खबर रही होगी, ताकि क्योंकि इस खबर में उन्हीं का बायलाइन है और वो अखबार के चेयरमैन भी है, यानी अखबार के मालिक भी हैं। अखबार का मालिक अगर अपने अखबार में कोई खबर छापने लगे, लिखने लगे, वो भी अपने नाम से, तो उसका मतलब आप समझ जाइए। खैर, उनका रिएक्शन क्या है, उन्हें अपना रिएक्शन देने का पूरा अधिकार है, और आपको भी उनका जो रिएक्शन है वो जरूर सुनना चाहिए ताकि उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिले और उनकी बात भी, उनका पक्ष भी आप तक पहुंचे। दिस इज द स्टोरी, इट हैज बीन सप्रेस्ड द सुप्रीम कोर्ट, इट हैज बीन सप्रेस्ड इन द मटेरियल गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट वेयर दे ओनली टॉक अबाउट द इंडियन नेगोशिएटिंग टीम, दे डू नॉट एनीवेयर मेंशन मिस्टर अशरफ्स रोल और द पीएमओ'स रोल इन दिस और द फैक्ट दैट द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ऑब्जेक्टेड एंड very important note is this by the defense secretary, the then defense secretary RM Raksha Mantri, may please see, it is desirable that such discussions be avoided by the PMO as it undermines our negotiating position seriously. This is not some local junior official, this is the defense secretary himself putting a stamp of approval on this objection. Why should he? He's very ill. Why would he bother Manohar Parrikar? He's seriously ill. Or why would I bother Mr. Arun Jaitley, who's also ill in the United States, recovering? He must have some humanism. We don't bother them on this. And who? And we've had plenty of discussions with the government on all kinds of things. They simply deny. But this was something which was exclusive. Now, what the ANI thing has brought out is that it has authenticated what we put out. So you're saying, why didn't you mention it? That is my business, no? What we put out. It may be in the next story, it may not. But this story is complete in itself because we have not dealt with Manohar Parrikar's role in this. In this. So, and that needs investigation, his role. So, इनका कहना है कि स्टोरी अपने आप में संपूर्ण है, इसमें मनोहर पारिकर का जो उन्होंने लिखा है वो दिखाने की जरूरत नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि दैट इज माई बिजनेस, व्हाट आई वांट टू शो एंड व्हाट आई डोंट वांट टू शो, ये मेरा फैसला होगा कि मैं इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या नहीं दिखाना चाहता। मुझे लगा कि इसमें मनोहर पारिकर का जो नोट है ये नहीं दिखाना चाहिए था, तो मैंने नहीं दिखाया। अब आप जरा सोचिए, एन राम ने जो कुछ कहा, हमने पूरा की पूरा जो हमें मिला इस न्यूज एजेंसी से, हमने पूरा आपको दिखा दिया। अब ये ऐसा सोचिए कि जो उनकी उनका पूरा रिएक्शन है उसमें से अगर हम कुछ काट छाट कर देते, उसका कुछ हिस्सा अगर हम काट देते और आपको वो हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा काट कर आपको हम भ्रमित करने की कोशिश करते, तो ये इसी तरह के लोग कहते कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, आपने इसमें एडिटिंग की है और आपने सही खबर नहीं दिखाई है। पत्रकारिता का सबसे बड़ा आदर्श यह है कि मामले के सभी पक्षों से बात की जानी चाहिए, लेकिन यहां अखबार ने अपनी खबर प्रकाशित करने से पहले रक्षा मंत्री के पक्ष को ही हटा दिया और उसके बाद रक्षा मंत्री से उनका रिएक्शन भी जानने की कोई कोशिश नहीं की। जैसा कि अनराम बता रहे हैं, उन्हें लगा कि रक्षा मंत्री तो मनोहर पारिकर बहुत बीमार है, ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अखबार की तरफ से सफाई यह दी गई कि मनोहर पारिकर बीमार है इसलिए उनसे बात नहीं की गई, लेकिन सवाल का क्या जवाब है, इस सवाल का क्या जवाब है कि पूरे मामले पर तत्कालीन रक्षा मंत्री के निर्देशों को ही खबर से हटा दिया गया।
यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक रक्षा सौदे को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के बीच अगर आपस में बातचीत हो भी रही है तो इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। इस तरह की डील्स उसी लेवल पर की जाती हैं, उसी स्तर पर की जाती हैं। ये बात एक बार फिर ध्यान देने वाली है कि बातचीत रक्षा सौदे में दलाली करने वाले किसी व्यक्ति से नहीं हो रही थी, किसी दलाल से नहीं हो रही थी, यह बातचीत किसी मिडलमैन से नहीं हो रही थी, किसी के रिश्तेदार से नहीं हो रही थी। बातचीत दो सरकारों के बीच हो रही थी, प्रधानमंत्री के कार्यालय और फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यालय के बीच हो रही थी। दो सरकारों के बीच सौदा हो रहा था, सरकारें आपस में बात कर रही थी। इसमें किसी को भी क्या आपत्ति होनी चाहिए? आपत्ति तब होनी चाहिए थी जब भारत की तरफ से कोई सरकारी अधिकारी या कोई पक्ष किसी दलाल से बात कर रहा हो या किसी मिडलमैन से बात कर रहा हो, घूस देने की बात हो रही होती या किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो रही होती जिसका इस सौदे से कोई लेना देना नहीं है, यानी किसी बाहरी व्यक्ति से बात हो रही होती। जैसा कि आप आजकल ईडी और सीबीआई के जितने केसेस चल रहे हैं रक्षा सौदों को लेकर, जैसा उनमें होता था। लेकिन इन मूल प्रश्नों का जवाब आज किसी ने नहीं दिया, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, पैदा करने के लिए और सच के प्रति शक पैदा करने के लिए देश के रक्षा सौदों पर लगातार सवाल उठते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इस तरह का रुख देश की सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता को दिखाता है और ये भी बताता है कि एक खास पार्टी ने अगर इस मुद्दे को अपना एजेंडा बना लिया है तो किस तरह मीडिया का एक सेक्शन, मीडिया का एक हिस्सा उस पार्टी के साथ किस तरह से खड़ा हुआ है, उस पार्टी की किस तरह से मदद कर रहा है, क्योंकि अखबार वो खबर छापता है और पार्टी तुरंत उसे उठा लेती है। इस अखबार ने तत्कालीन डिफेंस सेक्रेटरी जी मोहन कुमार के नोट के आधार पर इस खबर को प्रकाशित किया, लेकिन जी मोहन कुमार ने इस अखबार की पूरी खबर को ही खारिज किया है। जी मोहन कुमार ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि रक्षा मंत्रालय के नोट का कीमतों से कोई लेना देना नहीं था, यह नोट सामान्य नियम और शर्तों के बारे में था। यानी रक्षा सचिव जो थे उस समय उन्होंने भी यह बात स्पष्ट की। बड़ी बात यह है कि इस रक्षा सौदे पर विवाद खड़ा करने वाले लोग लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। पहले यह कहा गया कि रफाल विमान की कीमत बहुत ज्यादा है, इसमें घोटाला किया गया। फिर यह कहा गया कि इसमें उद्योगपति अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाया गया। इसके बाद यह सवाल पूछा गया कि सिर्फ 36 रफाल विमानों का सौदा ही क्यों किया गया, बाकी का क्या हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, इस पूरे मामले को नए सिरे से फिर उठाया जाने लगा और रफाल सौदे की शर्तों पर सवाल खड़ा करने की कोशिशें फिर से होने लगी, ताकि चुनाव से पहले यह सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाए। अखबार ने अर्धसत्य के जो बीज सुबह बोए वो दोपहर 12 बजे तक झूठ की एक बहुत बड़ी फसल बनकर लहलहाने लगे। सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस अर्धसत्य वाली रिपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुबह 11 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो इस पर सुनियोजित तरीके से हंगामा किया गया। सदन में चौकीदार चोर है के नारे लगे और इसके बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले पर जवाब दिया। अगर वो पत्रिका इसको छपाते फिर सातों सात रक्षा मंत्री का जवाब भी छपना चाहिए था। रक्षा मंत्री, तब के रक्षा मंत्री का जवाब क्या था? आपके नोट ठीक है मगर इसमें इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आप शांत रहो, सब ठीक ठाक चल रही है। ये था श्री परिकर जी का जवाब जो उस फाइल नोटिंग, डिफेंस सेक्रेटरी का फाइल नोटिंग का जवाब था। पत्रकारिता के नियम कानून आचरणा वगैरह के मन में रखते हुए क्या ये जिम्मेदारी उस पत्रिका का नहीं है कि इसका जवाब भी, तब के रक्षा मंत्री का जवाब भी उसमें छपे? सेलेक्टिव तरीके से जो चाहिए उसको उछालने के लिए, इश्यू को उछालने के लिए प्रिंट करना, वो सही है क्या? अभी यूरोप में जब राहुल गांधी गए थे, हम मांग करते हैं कि किन विमान कंपनियों के अधिकारियों को वो मिले, ये उनको बताना चाहिए। और कुछ विदेशी ताकतें और विदेशी कंपनियां ये सौदा रद्द हो इसके लिए प्रयासरत है, उसी में राहुल गांधी हिस्सा ले रहे, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। राफेल हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटाले की तस्वीर है और मामला गंभीर है, और जो इस देश पे बैठा पीर है
उसको ये समझना चाहिए जो उसकी तकरीर है उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सच्चाई तो सामने आएगी। अभी चाय वाला से राफेल वाला बन गया, राफेल का आदमी लेके चलता है। ये तो पर्दा का पीछा में तो कुछ है, ये तो सच है। राफेल तो कुछ हुआ है और राफेल का डील एक बड़ा क्लैंक करी है, इसको हम कांग्रेस को हम सपोर्ट करते हैं। सच जानना, सत्य को जानना आपका अधिकार है और जी न्यूज हमेशा आपके इस अधिकार की रक्षा करता रहेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को खराब लगे। आपने अक्सर देखा होगा और हम भी आपको लगातार ये बात हमेशा कहते हैं, आपको आगाह करते रहते हैं कि न्यूज चैनल्स पर और अखबारों पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि यहां पर भी काफी एजेंडा चलता है। इसलिए आज आपको फिर से आगाह कर रहे हैं, चुनाव का समय है, चुनाव लोकसभा के 2 महीने के बाद होने वाले हैं। इस समय सच और झूठ के बीच की जो लकीर है वो बड़ी धुंधली हो जाएगी, सही और गलत के बीच की जो लकीर है उसको धुंधला करने की कोशिश की जाएगी, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आपको भी अलग अलग अखबार पढ़कर और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स देखकर समझ में नहीं आएगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। डॉक्टर्ड वीडियोज़ के बारे में आप सुन चुके हैं, फेक न्यूज़ के बारे में आप सुन चुके हैं, फेक न्यूज़, डॉक्टर्ड वीडियोज़ और अब ये डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ हवा में तैर रहा है इस समय इस देश की। अब आपको बहुत सावधान रहना है और आपको ये कौन बताएगा कि कौन सी खबर डॉक्टर्ड है, कौन सी खबर में मिलावट है और कौन सी खबर शुद्ध है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे अंदर जितनी भी काबिलियत है, जितनी भी मेहनत हम कर सकते हैं और जो जितना भी हम तहकीकात कर सकते हैं उसके आधार पर हम आपको सिर्फ सच दिखाएं और ऐसी कोई खबर आपको ना दिखाएं जिसमें मिलावट है, और बल्कि ये भी बताएं कि किन किन खबरों में मिलावट है और आपको कहां सावधान रहना चाहिए।